हेलो फ्रेंड्स, मैं बबली। आप सभी का स्वागत है नव्या की छोटी सी बगिया में। आज बालकनी गार्डन का जो काम है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। देखिए, दो पेटूनिया का पौधा लगाई हूँ, दो नहीं इसमें एक्चुअली तीन लगाई हूँ। एक अभी मरा सा है इसलिए दो ही बताई हूँ। तो देखिए, एक रेड है, एक पिंक है, लाइट पिंक। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये जिस गमले में बोगनविलिया लगा था वो, ये तो पहले छोटे से गमले में लगा हुआ था, तो मैं इसको बड़े गमले में दी हूँ। तो इसी में ये मैं तीन पिटूनिया का लगा दी, ये सर्दी के फ्लावर है, 3-4 महीने रहेंगे, उसके बाद बोगनविलिया तो इसमें अपना रहेगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए अभी इसमें ऑरेंज कलर का है, बहुत प्यारा कलर है इसका। तो देखिए कितने इस पिटूनिया का भी कितने प्यारे कलर में दोनों खिले हुए हैं। तो एक जो अभी मरे हुए हैं वो मैरून कलर का है। तो देखिए उसी में से मैं कटिंग लेके 2-3 जगह लगाई हूँ, जो पिछले वीडियो में दिखाई भी होंगी कि मैं देखिए इसमें पेटोनिया लगाई हूँ कटिंग से। देखिए डेंथस का कितना प्यारा कलर है, एक तो लाइट पिंक का है, ये डार्क पिंक है। इसमें अभी एक ही खिला है, एक मुरझा गया है और बहुत सारे कली है। यहाँ पे धूप कम लगती है, इसको हम तेज धूप वाली जगह पे रखेंगे, देखते हैं कहीं पर सेट कर पाते हैं तो वहाँ तेज धूप में इसको रख देंगे, क्योंकि सबको पूरे दिन की धूप चाहिए सर्दी के फ्लावर को। देखिए एक पेटोनिया में भी व्हाइट कलर का फूल खिला हुआ है, आज इतना प्यारा कलर है, छोटा सा, पर इसका यही है कि शाम तक ये मुरझा जाता है। और ये अभी जो सीजनल पेटूनिया है वो तो 4-5 दिन से खिला हुआ है, देखते हैं हम कितने दिन रहते हैं, क्योंकि इस बार मैं पहली बार लगाई हूँ। तो देखिए अब हम स्लिंग प्लांट के काम करेंगे। देखिए मैं जो बेडरूम में रखी हूँ उसे बाहर लेके आई हूँ, इसका मिट्टी देखिए कितना ड्राई हो गया है, ऊपर रखा हुआ है, पानी देने में नहीं हो रहा था। इसके पत्ते भी बहुत गंदे हो गए थे, तो आज मैं पत्ते को भी पोंछ दूँगी और पानी भी अच्छे से दे दूंगी। फिर पूरे दिन, मैं कल शाम ही इसको निकाल दी थी, तो आज पूरे दिन रखूंगी बाहर में, फिर शाम में रख दूंगी अंदर। तो देखिए इसमें जितने मैं पत्ते काट के लगाई थी ना, उसमें से जितने भी पौधे ग्रो हुए थे मैं उन सभी को निकाल के 2 गमले में लगा ली हूँ। फिर पत्ते सबको मैं इसमें फिर से मिट्टी डाल के उसी में छोड़ दी हूँ दूसरे वाले में। इस सबको मैं इसमें 4-4 2 गमले में लगाई हूँ। तो देखिए 4 के हिसाब से ये गमला छोटा पड़ जाएगा, तो देखूंगी जब देखूंगी कि इसमें नहीं ग्रो हो रहा है, इसको बड़े गमले चाहिए, तब मैं निकाल के चेंज कर दूंगी, नहीं तो 2-2 करके इस दोनों में छोड़ दूंगी और 4 को कहीं और लगा दूंगी। तो देखिए 1-2 जगह मैं और लगाई हूँ, देखिए यहीं से मैं निकाल के उसमें लगाई थी, पर निकालते समय इसमें टूट गया था, तो जहाँ से टूटा था वहाँ से फिर से निकल आया। देखिए ये कितने अच्छे से जल्दी हो गया, ये तो उतना अच्छा से लगा भी नहीं है, क्योंकि इसका जड़ नहीं था ना, ऊपर से टूट गया था, इसका पत्ते भी अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ था, तो इसी चक्कर में अभी इतना नहीं लगा, तभी इसमें लगा हुआ है। देखिए कितने अच्छे से 2 तरह के रखी हूँ, पिछले किसी वीडियो में दिखाई भी होंगी। देखिए दोनों में से मैं नीचे के 1-1 इंच के पत्ते छोड़ दी हूँ, जिसमें से निकले थे उसी में, और बाकी सब को मैं फिर इसमें लगा दूँ, क्योंकि जब मैं कटिंग लगाई थी ना मैं बहुत लंबे लंबे छोड़ दी थी। इसको आप 2 इंच के कटिंग लेके लगाओगे ना उससे भी ग्रो हो जाते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि मैं 1-2 जगह ट्राई की हूँ तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, मैं तो लंबे लंबे लगा दी थी। देखिए हमारा सिंघोनियम अब अच्छे होने लगे हैं, नीचे से भी 2-3 निकले हुए हैं, तो अभी सारे को मैं एक में ही रहने दूंगी। चलिए आप पौधे सबको पानी दे देते हैं, इसको तो नहीं देना है, कल ही दी थी जब लगाई थी उस टाइम, अब मिट्टी जब पूरी तरह से सूख जाएगा तब डालूंगी, तो इस दोनों में दे देती हूँ, क्योंकि हम अच्छे से पानी दे देंगे, पानी दे देते हैं फिर पत्ते को पोंछ देंगे अच्छे से। तो देखिए अभी तो ठंड का टाइम है इसीलिए सुबह सुबह नहीं, तो मैं 11 बजे पानी दे रही हूँ, थोड़ा टंकी का पानी गर्म हो गया है, तो सर्दी के टाइम में तो थोड़ा धूप आने के बाद ही देना चाहिए, नहीं तो वो शाम का भरा हुआ रहता है या रात में भर के टंकी में छोड़ देते हैं, पानी बहुत ठंडा रहता है और हमारे पौधे के लिए बहुत नुकसानदायक है, इसीलिए थोड़ा पानी गर्म हो जाता है तो तब देते हैं।
तो हमारा पौधा सब मर जाएगा। देखिए इसमें मैं अच्छे से पूरे पत्ते को अच्छे से पोंछ लेती हूँ। पोंछने के बाद फिर आप सबको दिखाऊंगी कि देखिए अब पौधे कितने फ्रेश हो गए। देखिए पोंछने के बाद का फोटो है ये, तो जब मैं पोंछ रही थी तो उस टाइम मैं रिकॉर्डिंग करना बंद कर दी थी, तो देखिए कितना फ्रेश लग रहा है पोंछने के बाद। जब मैं यहाँ पे रखी थी उस दिन के बाद से पोंछी नहीं थी, तो अब देखिए कितना साफ साफ लग रहा है। तो हम जो पौधे इंडोर रखते हैं ना उसके पत्ते को अच्छे से पोंछ देना चाहिए, जिससे कि हमारा घर भी साफ रहता है और पौधे भी फ्रेश फ्रेश अच्छे लगते हैं। तो इंडोर में मैं स्नेक प्लांट ही रखी हूँ, क्योंकि अब मनी प्लांट पहले रखी थी, अभी तो मैंने प्लांट ख़त्म हो गए थे, तो देखिए इसमें मैं कटिंग सब लगाई हूँ। तो देखिए इसमें लेंथस का है, सदाबहार है, पेटोनिया का है, ये एक टोकरी टूटा हुआ था, इसके नीचे मैं एक पोछा रख के उसके ऊपर नारियल के छिलके का नीचे से डाल के जो उसका भूसी निकला हुआ था उसे मैं थोड़ा सा मिट्टी थोड़ा सा खाद मिला के और उसी में मैं कटिंग लगाई हूँ। तो देखिए देखती हूँ इसमें लगा के कैसे रिजल्ट देता है, क्योंकि जब मैं मिट्टी में लगाई थी ना सदाबहार का कटिंग, जो पिछले किसी वीडियो में दिखाई भी होंगे, वो सारे मर गए नहीं लगा, तो मैं इस बार इस तरह से लगाई हूँ, शेड वाले जगह में रखी हूँ, देखती हूँ कैसा रिजल्ट देता है ये। तो वैसे तो लग जाना चाहिए, देखिए जितने पौधे सब थे जो लग रहा था कि कटिंग से चलने वाला है, उन सब की कटिंग मैं लगाई हूँ इसमें। देखते हम क्या रिजल्ट देता है ये। देखिए वैसे तो मैं डेंड्रस की पिछली बार भी कटिंग लगाई थी, ये तो आसानी से लग जाते हैं, तो इस बार देखती हूँ क्या होता है, लगता है नहीं। चलिए और आगे देखते हैं हम। देखिए ये मैं बेलपत्र के कटिंग लगाई हूँ, इसमें ये चमेली का है, ये तो पहले से कटिंग इसमें लगा हुआ था, तो अभी तक कोई जल नहीं दिखने में आया है। पर देखिए ये जो कूलर में मिलीबग्स लग गए थे ना, जितने मैं ट्रीटमेंट कर रही थी, अभी तो मिलीबग्स उतना नहीं है, पर जितने कली थे वो सारे गिर गए। अब देख रहे थोड़ा बहुत बचा हुआ है, पत्ते भी सारे पीले होने लगे थे, अब जाके थोड़ा वो कीड़े सब चिट्टी बहुत सारी चिट्टी भी आ रही थी इसमें, वो सब भी कम हुए हैं। तो अब हमें देखिए नीचे से कितने फुटाब हुए हैं, पौधे में छोटे छोटे ब्रांच निकले हैं। देखो इस समय सभी में लग गए थे, जितने भी वो साइड गुलर है ना सारे में लग गए थे, मैं सारे में स्प्रे की हूँ, तो अब जाके थोड़ा कम हुआ है। तो अगर आप सबको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलना, और कमेंट में लिख के बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और घंटी के बटन को दबाना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी तो पहले आप तक पहुंचेगा। तो बाय फ्रेंड, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।